गाइस, आज बात करेंगे टोयोटा आई रोड के बारे में। क्या कहेंगे आप इसे, कार, बाइक, स्कूटर या रिक्शा, या कुछ और आप इसे कहेंगे? कैसी लगती है ये आपको दिखने में? अपनी राय कमेंट सेशन में लिखिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं तो इसको एक कार मानता हूँ, क्योंकि इसमें बैठने के बाद मुझे कार वाली फीलिंग दिखती है। यह कार यूरोपियन कंट्री में तो आ चुकी है, पर बहुत ही जल्द इंडिया में धूम मचाने आने वाली है। आखिर ये इंडिया में धूम क्यों मचाएगी? क्योंकि इसे मिडिल क्लास फैमिली वालों लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ही कम रखी गई है, जिससे सामान्य लोग इसको आराम से खरीद पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं अपन इस इलेक्ट्रिक कार के बारे में। इसकी प्राइस क्या रहेगी, सीटिंग कैपेसिटी क्या रहेगी, क्या इसमें आपको एसी व हीटर का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा या नहीं, क्या रहेगी इसकी टॉप स्पीड, इसकी रेंज क्या रहेगी, क्या इस इलेक्ट्रिक कार में गवर्नमेंट के द्वारा कितनी सब्सिडी देखने के लिए मिलेगी। तो फ्रेंड्स, सारी बातें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। फटाफट से शुरू करते हैं आज का वीडियो। सब्सक्राइब कर लीजिए आईटेक मस्ती को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो में आपको मिलती रहे। सबसे पहले बात करना चाहूँ मैं इस इलेक्ट्रिक कार के बारे में, तो इसमें आपको एसी व हीटर दोनों ही ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, और इसके अलावा आपको इसमें म्यूजिक सिस्टम भी देखने के लिए मिलेगा, या कहूँ जब आप इसमें बैठोगे तो आपको इसमें एक कार वाली फीलिंग देखने के लिए मिलेगी। अब बात करना चाहूँ मैं टॉप स्पीड के बारे में, तो फ्रेंड्स 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसकी टॉप स्पीड रखी गई है, जो कि एक सामान्य स्पीड मानी जाती है। बात करना चाहूँ मैं बैटरी के बारे में, तो फ्रेंड्स इसमें एक लिथियम आयन बैटरी देखने के लिए मिलेगी। चार्जिंग टाइम की मैं बात करूँ तो 2 से 3 घंटे में ये कम्प्लीट चार्जिंग हो जाएगी। क्यूब चार्जर के जरिए आप इसको कितनी देर में कम्प्लीट चार्जिंग कर पाएंगे, तो फ्रेंड्स अभी इंडिया में क्यूब चार्जर इतना अवेलेबल नहीं हो पाया है, पर जब इंडिया में अवेलेबल हो जाएगा क्यूब चार्जर, तो ये सिर्फ एंड सिर्फ 30 मिनट के अंदर कम्प्लीटली चार्जिंग हो जाएगी। आखिरकार जब ये 30 मिनट के अंदर चार्जिंग तो हो जाएगी, पर एक बार चार्जिंग होने पे चलेगी कितना? तो फ्रेंड्स इसकी रेंज की मैं बात करना चाहूँ तो एक बार जब चार्जिंग होने पे 50 किलोमीटर तक की रेंज इसमें आपको देखने के लिए मिलेगी। पर मैं मानता हूँ टोयोटा जब इसको इंडिया के अंदर लॉन्च करेगी, 80 किलोमीटर रेंज के हिसाब से इसको लॉन्च करेगी। बात करना चाहूँ इस लग्जरी इलेक्ट्रिक कार के बारे में इसके वेट की, 300 किलोग्राम इसमें आपको वेट देखने के लिए मिलेगा। कलर ऑप्शन की मैं बात करना चाहूँ तो 4 से 5 कलर ऑप्शन में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगी। फ्रेंड्स अब बात करना चाहूँ मैं इसके टायर के बारे में, इसमें आपको तीनों टायर ट्यूबलेस टायर देखने के लिए मिलेंगे। आखिरकार अब बात कर लेते हैं सीटिंग कैपेसिटी की, तो सीटिंग कैपेसिटी में आपको देखने के लिए मिलेगी 2 सीटर, और इसके अलावा आपको इसमें बूट स्पेस भी देखने के लिए मिलेगा। बैक सीट को फोल्ड करके एक्स्ट्रा बूट स्पेस भी बना सकते हैं। अब बात करना चाहूँ इस कार के बारे में, इसकी खास विशेषता की, तो फ्रेंड्स इसमें आपको बिना हेलमेट के जरिए भी आप इसको चला पाएंगे। आखिरकार इस इलेक्ट्रिक कार के बारे में आप खास मुद्दे पर आ ही जाते हैं, बात करें इसकी प्राइस की, तो फ्रेंड्स 2 लाख रुपए से 4 लाख रुपए तक इसमें आपको 2 लाख में एक नॉर्मल वेरिएंट देखने के लिए मिलेगा, तो 4 लाख तक इसका टॉप वेरिएंट आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये आपको इलेक्ट्रिक कार, अपनी राय कमेंट सेशन में लिखिए। और इसके अलावा यदि आप मेरे से पर्सनल कॉन्टेक्ट पे बात करना चाहते हैं, तो आप अपने नंबर को कमेंट सेशन में लिखिएगा, जिससे मैं आपको पर्सनल कॉल करूँगा और आपसे बात करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, बाय बाय।